हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉगर के वीडियो में हम सीखेंगे कि फेविकॉन आइकन क्या होता है, इसको क्यों लगाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको कैसे लगाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फेविकॉन आइकन क्या होता है, इसको कैसे लगाते हैं और इसको क्यों लगाना चाहिए, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर ये होवर ला के इसमें रेड कलर का बटन आ जाएगा, इसमें क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते रहते हैं, जो कि आप बिल्कुल फ्री में होते हैं और हिंदी में होते हैं। और ब्लॉगर से रिलेटेड आपको इसमें ए टू जेड वीडियो मिल जाएंगे। आपको ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, उसको ब्लॉग का एसईओ कैसे करना है और ब्लॉग की सक्सेस आपने कैसे हासिल करनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फेविकॉन आइकन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फेविकॉन आइकन क्या होता है, ये वाला जो आइकन होता है आपका टैब, इसको क्या बोलते हैं, इसको टैब आइकन भी बोलते हैं और इसको बुकमार्क आइकन भी बोलते हैं, इसको वेबसाइट आइकन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट की एक तो ब्रांडिंग हो जाती है, दूसरा अगर कोई बुकमार्क करता है आपकी वेबसाइट को या वेबसाइट के किसी भी पेज को तो उसमें आपका आइकन बना हुआ आता है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि कौन सी वेबसाइट है। जैसे देखिए, मैंने फेसबुक का यहाँ वर्क कर रखा है और ये देखिए जीमेल का है, जीमेल का अपना होता है, गूगल का होता है, ब्लॉगर का है, यूट्यूब का है। तो ये जैसे देखिए हाउ टू हिंदी का है, हमारी जो वेबसाइट है हाउ टू हिंदी में भी एक फेविकॉन आइकन हमने लगा रखा है। तो इसका फ़ायदा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कोई इसको बुकमार्क करेगा तो बुकमार्क कर दिया, उसको जैसे हम इसको लेके आते हैं बुकमार्क टूल बार में लेके आते हैं, तो ओके हम डन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइकन के साथ ये जो होगा सेव होगा, बुकमार्क जो सेव होगा वो आइकन के साथ होगा। तो इससे क्या होता है, आपकी एक तो ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है, ऊपर से देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आप ब्लॉगर में आपका ब्लॉग है तो सभी ब्लॉगर में का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये बुक बी होता है। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट किसी ने खोल रखी है तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने कौन सी वेबसाइट खोल रखी है, और आपको खुद इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपने ब्लॉगर के तीन चार टैब खोले हुए हैं और आप दूसरे टैब में हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने ब्लॉग में लॉगिन होना होगा। जैसे ही आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड आ जाता है उसमें फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए लेआउट में क्लिक करना है। लेआउट में क्लिक करते ही यहाँ पर ये फेविकॉन लिखा हुआ होता है, इसमें क्या करना है आपने एडिट में क्लिक करना है। जैसे एडिट में क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है, इस पॉपअप में क्या करना है आपसे ये पूछ रहा है, पॉपअप में ये पहले आपको बता रहा है कि जो आपकी इमेज होगी वो स्क्वायर होनी चाहिए और 100 KB KB से कम होनी चाहिए या 100 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेबसाइट एक इमेज बना रखी है, जैसे ये बना रखी है, इसका हमने इमेज जो कर रखा है इसको स्क्वायर बना दिया है और इसका जो साइज़ है वो हमने कम कर दिया और डेस्कटॉप हमने सेव कर दिया, ये है, ठीक है। तो इसका हम साइज़ देख लेते हैं कितना है, साइज इसका है 4 KB और इसका साइज़ कम इसलिए होना चाहिए, इसका साइज़ कम होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी लोड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ब्राउज़ कर लेते हैं, डेस्कटॉप में है और ये वाला इमेज है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं सेव में क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेव में क्लिक कर लिया तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये अपडेट हो गया है और हम इसके ब्लॉग में जाते हैं। तो ये कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगाता है लेकिन वैसे हो जाता है ये, तो हम इसको देख लेते हैं। व्यू ब्लॉग में क्लिक करते हैं, इसको नेक्स्ट टैब में खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पर भी शायद हो चुका हो, थोड़ा सा उसको सेव होने में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा टाइम लगाता है इनिशियल में, उसके बाद ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। पुराने वाले को रिप्लेस करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो कोई भी आपको आपके ब्लॉग को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर ये देखिए नीचे लाइक बटन है, इसमें क्लिक करके इसको लाइक करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको ए टू जेड ट्यूटोरियल सीखने के लिए हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।